कुक विद फेम चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिकन सूप बनाने के लिए मैं करीब 1/2 kg चिकन के बोन्स ले लेती हूँ। अगर आप कोई भी चिकन की रेसिपी बनाते हैं जिसमें आपको सिर्फ चिकन के मीट की जरूरत होती है, जैसे कि चिकन 65 या हलीम, तब आप बोन्स को फेंकिए मत, उसे रख लीजिए। आज मैं आपको उन्हीं बोन्स से एक अच्छी और टेस्टी एंड क्विक सूप का तरीका सिखा रही हूँ। इसको पहले मैरिनेट कर लेती हूँ। मैरिनेशन के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 teaspoon, और टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon, और मैं अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मैरिनेट करने से हमारे जो ये बोन्स के पीसेस हैं, इसके अंदर तक मसाले अच्छे से एंटर होंगे। अब इसको मैं मैरिनेशन के लिए एक 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। बड़े पैन में मैं 1 tablespoon घी हीट कर लेती हूँ, प्योर घी, और इसमें 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट की रास मिल जाने के बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। इसे थोड़ा हिलाते रहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज अनियंस का पेस्ट ऐड कर देती हूँ, और इसे भी फ्राई कर लीजिए। ये अनियंस का पेस्ट इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने तक इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए। ऑनियन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें एक बड़ा टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसको ऐड कर देती हूँ। अब इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे तब तक सॉटे कीजिए जब तक ये टमाटर अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देती हूँ, और 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। जरूर देखिए इसका वीडियो और सीखिए होममेड गरम मसाला। अब इन मसालों को भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन के जो बोन्स के पीसेस हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके इसे भी मिक्स कर दीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तब मैं इसमें थोड़े से मिंट लीव्स या पुदीने के पत्ते ऐड कर देती हूँ, और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देती हूँ। इसे भी मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट मैं इसमें 1/2 cup पानी ऐड कर देती हूँ, और इसका फ्लेम हाई करके इसे कुक होने देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह जब ये 1 minute ऐसा कुक हो रहा है, तब मैं इसकी फ्लेम लो कर देती हूँ, और इसे ऐसे ही 5 to 10 minutes कुक होने के लिए रख देते हैं। 5 to 10 minutes हो चुके हैं। चिकन के पीसेस भी थोड़ा सा टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। तब तक ये चिकन भी और थोड़ा अच्छा कुक हो जाएगा, और मसाले भी चिकन के अंदर एंटर हो जाएंगे। इसे ड्राई कर लेते हैं। देखिए ये मसाले अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। करीब 1 liter पानी डाल दीजिए। डाल के इसे फिर से अच्छे से मिक्स कीजिए। मैं अब इसमें करीब 1/2 teaspoon नमक भी ऐड कर लेती हूँ।
हम फिर से बाद में और ऐड कर सकते हैं, हमारे टेस्ट के हिसाब से हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसे हम अब पकने देते हैं। मैं लिड क्लोज कर देती हूँ। इसे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकाइए, 5 मिनट्स पकाइए हाई फ्लेम पे। उसके बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे। देखिए 5 मिनट्स के बाद हमारी सूप अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैं फ्लेम को लो करके इसे 5 to 10 मिनट्स ऐसे ही रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं, नहीं आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए सूप में तो आप इसे और थोड़ा कुक कीजिए। अब मैं फ्लेम को कम करके इस पे लिड बंद करके 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसकी लिड ओपन करके देख लेती हूँ। देखिए हमारी सूप अब सर्व करने के लिए तैयार है। चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो चलिए हमारी टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल चिकन सूप अब सर्व करने के लिए तैयार है। अब चिकन के जो बोन्स हैं उसे फेंकिए मत, ये सूप बना के पीजिए, बहुत टेस्टी बनेगी ये सूप। अगर आपको कोल्ड या कॉफ विंटर सीजन में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा तो ये सूप पीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा और ऐसे ही बना के भी आप घर पे पी सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।